या अली मदद। अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 287 القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم فيها بإذن ربهم في كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم ولنا أجر إمام بالصلوات كل ذي النار الله शनिशान के वक्त आपने कुरान पाक की सूरतुल कद्र की आयतें सुनी थी, सबसे भी सुना। मैं इंशाल्लाह आपको इसका खुलासा बयान करता हूँ। अरबी जबान के अंदर कद्र कहते हैं किसी चीज को मापना। माप उसकी वॉल्यूम के हिसाब से भी होता है, जैसे कि फुट से मापते हैं और वजन के हिसाब से भी माप होता है। कद्र का मतलब है किसी चीज को मापना, वे करना, मेजर करना। जिस तरह से हम दुनिया की चीजों को मापते हैं, यानी मटीरियल चीजों को मापते हैं, कपड़ा मापा जाता है, आटा खंड वगैरह वजन करके मापी जाती है, इसी तरह से ईमान का माप भी है। इसी तरह से आदमी की भाषा और जबान जो है, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो है, उसका भी वजन होता है। बाज अल्फाज बड़े हल्के होते हैं, बाज भारी होते हैं। ईमान हल्का भी होता है, ईमान वजनदार भी होता है। इसी तरीके के ऊपर हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान फरमाते हैं, दिनदारों मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार आपको सलवात पढ़ाऊं, लेकिन जब भी इमामों का और नबियों का नाम आता है, आप जरूर सलवात पढ़ो। जोर से नहीं, मन में भी पढ़ सकते हो, लेकिन सलवात पढ़ना एक किस्म की रूहानी मेहमानी करना है। जब हम इमाम का नाम लेते हैं, नबी का नाम लेते हैं, तो हम नाम लेने वाले के साथ शामिल होने के लिए हम सलवात पढ़ते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और ये हदीस दुनिया भर के मुसलमानों में जो आलिम है, मैंने इसलिए कहा कि बहुत से लोग इस हदीस को नहीं मानते, मगर मेजॉरिटी इस हदीस को मानती है। मेजॉरिटी के अंदर शिया तो जरूर मानते हैं। 100 करोड़ मुसलमान हैं, उसके अंदर दुनिया के अंदर तकरीबन 40 करोड़ शिया हैं और 60 करोड़ सुन्नी है। इन दोनों के दरमियान थोड़े से ऐसे हैं कि जो न शिया है न सुन्नी है, और जो सूफी हैं वो दोनों में है। शियों में भी सूफी हैं और सुन्नियों में भी सूफी हैं। आज जो मैंने वाइज का इरादा किया है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन ऐसा ख्याल करता हूँ, 500 किताबें पढ़ोगे आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो आज मैं आपको दूंगा। इस हदीस को कहते हैं हदीस फकलेन। अरबी जबान के अंदर लफ्ज फकल जो है उसको कहते हैं, वजन को भी फकल कहते हैं, ग्रेविटी को भी फकल कहते हैं,
और जिस तरह से एक मैग्नेट खींचता है तो मैग्नेटिक पावर जो है उसको भी सकल कहते हैं। मैं फिर आपको वहां ले जाना चाहता हूं कि कद्र का मतलब क्या। कद्र की जमा अखबार है, प्लूरल उसका अखबार है और कद्र सिंगुलर है। अल्लाह ने यहां लैल के साथ सिंगुलर फॉर्म यूज की है। तो अल्लाह ताला के इस नबी ने फरमाया, ये हदीस आपने वफात के दिन फरमान फरमाई कि मैं दो चीजें भारी वजनदार छोड़े जाता हूं। वो दो भारी चीजें, वजनदार चीजें कौन सी हैं? फरमाया, एक अल्लाह की किताब यानी किताबुल्लाह, व इतरती और मेरी आल, ये वजनदार है। मगर ये वजन दुनिया के अंदर जैसे टन का हिसाब या किलोग्राम का हिसाब होता है, इस पैमाने से वजन नहीं। अगर इमाम का दुनिया भाने वजन कितना होएगा? बहुत बहुत तो होएगा, 90 किलो होएगा। लेकिन अल्लाह के नबी का यह कहना नहीं है कि मेरी इतरत में बड़े मोटे मोटे वजनदार लोग होंगे। और किताबुल्लाह जो है, तो किताबुल्लाह दीनदारों ऐसी किताब है कि जो मुश्किल के साथ 50 ग्राम उसका वजन है, और ऐसी भी कुरान है कि जो 2 किलो जितना वजन हो जाए। तो क्या नबी का यह कहना था कि यह कागज पर लिखी हुई जो किताबुल्लाह है वो बड़ी वजनदार है, या मेरी जो इतरत इमाम है वो बड़े मोटे ताजे और वजनदार है? नहीं। मैंने आपके सामने अर्ज की कि जिस तरह दुनिया के अंदर हम चीजों को मापते हैं या लेंथ वाइज या उसके वेट वाइज, इस तरह से ईमान का भी वजन होता है, इबादत का भी वजन होता है, इंसान की बोलचाल का भी वजन होता है, इंसान के आमाल का भी वजन होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे। हमारे गिनानों में बहुत सी जगह मीजान का नाम लिखा हुआ है, मीजान रखेगा। अल्लाह मीजान कहते हैं स्केल को। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे अमाल तोलूंगा। अभी कैसे तोलेगा? ग्राम के हिसाब से तोलेगा। वो तोलना और चीज है। तो जिस तरह से हम दुनिया की चीजों को, मटीरियल चीजों को हम तोलते हैं या मापते हैं, इसी तरह से रूहानी चीजें भी मापी जाती है। और अल्लाह का यह फरमान कि ये माप की, कद्र की, वजन देखने की, स्टैंडर्ड देखने की ये रात है, लैलतुल कद्र, कद्र की रात, कि इस रात तुम्हारी इबादत मापी जाएगी, इस रात तुम्हारी मोहब्बत मापी जाएगी, इस रात तुम्हारे आमाल मापे जाएंगे, इस रात के अंदर तुम्हारा ईमान मापा जाएगा। यह कद्र की रात है। हमने इस कद्र की रात में, कि जो मापी जाने वाली रात है, इस रात के अंदर हमने कुरान उतारा। कुरान क्या चीज है? हम जब भी कुरान का नाम लेते हैं तो हमको वो किताब ख्याल में आती है कि जो अरबी में लिखी हुई है। अगर इसी का नाम कुरान है तो अल्लाह ने कुरान में ही फरमाया है कि हर सूखी और हर नीली चीज का, यानी ड्राई और वेट जितनी भी चीजें हैं, उस सब का इल्म कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। तो ये किताब के अंदर हमको तो बहुत सी चीजें नहीं मिलती, तो क्या अल्लाह झूठ बोलता है? अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो वो कुरान कौन सा कि जिसमें हर सूती और हर नीली चीज का इल्म मौजूद है? वो कहां है कुरान? एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा के साथ किसी दूसरे के घर गए थे। मदीने का जिक्र करता हूं, वो जमाने के अंदर मैं आपको चेतावनी इसलिए देना चाहता हूं कि मेरी खुद की आदत है कि मैं हर चीज की माइन्यूटेस्ट साइज तक जाता हूं। तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कहता हूं
کہ مسجد ہے, رسول اللہ نے مدینے میں مسجد بنائی اور مسجد کی رائٹ سائڈ کے اوپر انہوں نے اپنے حجرے بنائے, حجرہ کہتے ہیں روم کو, کمروں کو, کمرے بنائے, جھونپڑیوں کی طرح کھجور کے پتوں کی مکوٹی اوپر ڈالی گئی اور مٹی کی دیواریں بنا دی گئیں جیسے افریقن لوگ بناتے ہیں. لیفٹ سائڈ کے اوپر حضرت علی کے لیے مکان بنائے گئے دو تین, اور اس کے پھر سامنے کی طرف جو رسول اللہ کے بہت کے نزدیک کے اصحاب تھے اور ان کے خسر بھی تھے, جیسے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے سسر تھے, اسی طرح سے حضرت عمر وہ بھی رسول اللہ کے سسر تھے, اسی طرح سے حضرت عثمان رسول اللہ کے جمائی تھے, داماد تھے. لیکن میں آپ کو خلاصہ کر دوں, داماد تو صرف علی تھے, لیکن حضرت بی بی خدیجہ کو پہلے گھر سے جو دو بیٹیاں تھیں ان بیٹیوں کے ساتھ, دونوں کے ساتھ ایک بعد ایک عثمان کے ساتھ نکاح ہوا تھا. تو پہلے گھر سے جو بیٹیاں ساتھ آئیں رسول کے گھر کے اوپر بی بی خدیجہ کے ساتھ شادی کے بعد, تو وہ بھی نیچرلی رسول پاک بھی تو اس کو محبت سے بیٹیاں ہی کہیں گے نا. ہم بھی بزرگ جیسے ہیں, میرے کو کوئی بھی بچی ملے تو کہتے ہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں ایسا ہے. تو یہ بیٹی جو ہے وہ خون کی بیٹیاں نہیں تھیں, لہو کی بیٹیاں نہیں تھیں, مگر رسول اللہ کی بیٹیوں جیسی تھیں. تو حضرت عثمان تو داماد کا رہ جاتا. تو اس طرح سے جو رسول اکرم کے جو بہت نزدیکی اصحاب تھے ان کے گھر بھی تھے, بیچ میں بڑا میدان تھا. اس میدان کے اندر ان لوگوں کے بچے کھیلا کرتے تھے. تین ایک برس کی عمر حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور تقریباً پونے چار برس کی عمر حضرت حسن علیہ السلام کی تھی, اور بھی بہت سے بچے تھے کھیل رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کو بھوک لگی, نانی کے روم میں آئے, بی بی عائشہ کے روم میں آئے, دروازے تو تھے نہیں, ادھر ادھر دیکھا تو اوپر ایک چھنکا ٹنگا ہوا تھا, ایک باسکٹ تھی رسی کے ساتھ چھت کے ساتھ باندھی ہوئی تھی. چھنکا اس لیے ڈالا جاتا تھا کہ ایک تو چھوٹے بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے, دوسرے جانور چوہے وغیرہ بلیاں وغیرہ اس کو کھائے نہیں, ریفریجریٹر تو نہیں تھا جہاں بند کر کے رکھتے. امام حسین علیہ السلام چھینکے کی طرف دیکھا تو کچھ نظر آیا, حضور تو تین برس کے تھے, چھینکا کافی اونچا تھا, ادھر ادھر دیکھا کوئی سٹول کی طرح کی کوئی چیز تھی گھسیٹ لائی, اس پہ چڑھے تو بھی ہاتھ نہیں پہنچا. دیکھا تو ایک کونے کے اندر بہت سے کاغذات پڑے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام وہ کاغذات اٹھا لائے اور وہ سٹول کے اوپر رکھتے رہے. اس طرح سے اوپر چڑھ گئے. وہ کاغذات کیا تھے؟ قرآن شریف لکھا ہوا تھا, بائنڈ نہیں تھی, بائنڈنگ نہیں تھی اس کی, باؤنڈ نہیں ہوئے تھے, ایسے ہی چھوٹے کاغذات تھے. امام حسین علیہ السلام اوپر چڑھے اور چھینکے پہ ہاتھ ڈالا, بس یہ پوزیشن کے اوپر رسول اکرم اور بی بی عائشہ چلے آئے. حضرت بی بی عائشہ آگے آگے تھی, رسول اکرم پیچھے پیچھے تھے, اور جیسے ہی عائشہ کی نظر پڑی کر کے زور شور سے بولنا شروع کر دیا. رسول اللہ فرمایا کیا کرتی, کیا شور مچاتی, دیکھتے نہیں قرآن کے اوپر چڑھا ہوا. چپ رہو, قرآن اللہ قرآن, تم کیا کہنے, قرآن کے اوپر قرآن چڑھا ہوا ہے. یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو قرآن کا درجہ دیا, قرآن اللہ قرآن کے اوپر قرآن ہے. بی بی عائشہ چپ ہو گئی. وہ قرآن کہ جس میں ہر لیلی اور سوکھی چیز کا علم ہے, وہ قرآن امام مبین ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے, اور وہ آیت ہم دوسرے پاس میں ہر وقت ہر روز تین وقت دعا میں پڑھتے ہیں, وَكُلَّ شَيْءٍ, اور ہر ایک شے, شے کہتے ہیں چیز کو, وَكُلَّ شَيْءٍ, اس میں ایکسپشن نہیں, ہر ایک چیز, اور اس کے اندر گرامر کا ایسا بندش باندھی ہے اللہ نے کہ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر تینوں ٹینس اس میں مل جاتی ہیں. ایسا نہیں کہ جب پاسٹ میں ہو چکی اس کی ہر چیز کا یا پریزنٹ کی ہر چیز کا, نہیں, تینوں ٹینسز کو ملا کے رکھ دیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر
एक शय को हमने इनसर्कल्ड कर लिया है हाजर इमाम के अंदर, यानी हाजर इमाम के बाहर कोई चीज नहीं। जब मैं लफ्ज शय पढ़ता हूँ कुरान पाक का, तो उस शय ये जो लफ्ज है, आप कभी अरबी जबान की सबसे बड़ी जो जबरदस्त अंग्रेजी यानी डिक्शनरियां हैं जिसको हम कामूस कहते हैं, अगर आप देखो तो सफे के सफे भरे हुए हैं शय के मतलब के ऊपर, पेजिस के पेजिस भरे गए हैं एक लफ्ज में। शय का मतलब सिर्फ इस दुनिया की चीजें ही नहीं, शय का मतलब सिर्फ चांद सूरज सितारे ही नहीं, शय का मतलब वो है खुदा ताला ने जितनी भी खलकत पैदा की, जितनी उसने क्रिएशन पैदा की, जब से पैदा की और जब तक पैदा होती रहेगी, ये तमाम चीजें शय में आती हैं और वो तमाम चीजें इमाम मुबीन में है। कुल्ला शयन अहसना इमाम मुबीन, उसका हिसार कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है हर चीज को इमाम मुबीन ने, यानी हर चीज जो है वो इमाम मुबीन के अंदर है, उसके बाहर कुछ नहीं। तो वो कुरान है जिसमें हर चीज का इल्म है, वो कुरान हजरत इमाम है, जिस तरह से हजरत इमाम हुसैन के लिए नबी फरमाया के कुरान अला कुरान, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला मुस्तफी शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने सबके सामने दावा किया कि अना कुरानो नातुक, मैं बोलता हुआ कुरान हूं और ये तो मूंगा गूंगा कुरान है, हाजा कुरान सम, ये जो कुरान नेजों के ऊपर चांद रखा है मुआविया के सोल्जरों ने, वो तो कागज के ऊपर लिखा हुआ मूंगा है यानी गूंगा है, दम है, बोलता नहीं, मैं बोलता कुरान हूं, दावा किया। तो कुरान इस रात खुदा ने नाजिल करना शुरू किया, मैं आपको इस्माइली तरीके से समझा रहा हूँ, मैं आपको इस्माइली नजर से समझा रहा हूँ, मैं आपको इस्माइली मजहब के अंदर का कर्नल खिला रहा हूँ। आम मुसलमान हमारे भाई हैं जो शरीयत में पढ़े हैं, उनकी किताबों में से हम तर्जुमा करके हम अपने इस्माइली मजहब की अंदर की ब्यूटी नहीं जान सकते। कुरान हमने इस रात में कुरान नाजिल करना शुरू किया, ये कुरान, हाँ आमतौर पे तो हम इसे कुरान को कहते हैं कि जिसकी पहले पांच आयतें सूरतुल अल्क की नीचे उतरी, सूरतुल अल्क जो है उसकी पांच आयतें सबसे पहले उतरी और कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, हमें इसमें कोई एतराज नहीं, मुझे इसके साथ कोई भी झगड़ा नहीं, मगर ये जाहिर सी चीज है, इस्माइली मजहब क्या कहता है। तो मैं आपको समझा रहा था कि कुरान का मतलब क्या, कुरान यानी इमामत, कुरान यानी हाजिर इमाम। तो क्या इस रात हाजिर इमाम नाजिल हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा। क्या इस रात इमामत जाहिर हुई? अभी थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहे हैं। रसूल अकरम, यहां मैं आपको छोड़ता हूं, इधर तक थोड़ा वापस ले जाऊं, नबी करीम को छोटी उम्र से ही इबादत का शौक था, छोटी उम्र से एकांत में बैठने का शौक था, छोटी उम्र से आंख बंद करके कुछ सोचते रहते थे। आप जब हुजूर पैदा हुए, माता आमिना, रसूल अकरम की माँ का नाम बीबी आमिना था, जो बिगड़ के अमीना बन गया, अमीना नहीं लेकिन आमिना। माता आमिना की तबीयत दुनिया भर में इतनी अच्छी नहीं थी, जो दूध उतरता था बहुत थोड़ा था। रसूल अकरम अच्छी तरह से पेट नहीं भरते थे,
तो कुछ महीनों के बाद माता आमिना ने सोबिया नाम की एक औरत ढूंढी, सोबिया। उस जमाने की यह रीत थी कि बड़े गांव के इर्द गिर्द जो सबर्ब होती है उसमें से अच्छी क्लास की तंदुरुस्त, यानी अच्छी क्लास का मेरा मतलब अच्छे खानदान की औरतें पैसे के लिए, क्योंकि गरीब बहुत थे, ऊंची टॉप ग्रेड के जो लोग थे उनके बच्चों को दूध पिलाने के लिए नौकरी करती थी। माता सोबिया जो थी उनको भी एक छोटा बच्चा था और फार्मर थे, अच्छी तंदुरुस्ती थी, दूध भी काफी उतरता था। तो मदीने में आई और किसी औरत को पूछ रही थी कि है किसी के हाथ छोटा बच्चा पैदा हुआ हो तो मैं उसको दूध पिलाने की उजरत करूं। हाँ, अब्दुल मुतलब के घर, देखो उधर उनका पोतरा हुआ है। जब आप गई दरवाजे के ऊपर तो माता आमिना देख के खुश हो गई। चलो बात ठहराई गई, उजरत नकी की गई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सोबिया ले गई। माता सोबिया का दूध पिया, जैसे कि हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने भी माता रतनबाई का दूध पिया। रतनबाई खोजी थी, सिंध की रहने वाली, माता सलामत को भी दूध कम हो गया था तो रतनबाई सुल्तान मोहम्मद शाह को दूध पिला दी थी। मैंने रतनबाई को देखा है, ठिंगनी और मोटा बदन, लेकिन उसका चेहरा 90 बरस की उम्र में भी कोई 6 बरस का मासूम खूबसूरत एकदम रोजी बच्चा होता है ना, ऐसा उसका मुंह था। एक दफा सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह कराची आए, जुना जमा खाना था गार्डन क्वार्टर्स का, तो ये सामने ही बैठी थी, बरस लोग इधर से बाइया इस तरफ की सामने बैठी थी। सुल्तान मोहम्मद शाह जब बैठ गए फिर नजर पड़ी, उठे कुर्सी पे से, वापस उठे, उसके पास गए, बहुत बूढ़ी हो गई थी, बदन भी मोटा था, छिंगना कद था, दोनों हाथ जमीन पे रख के उठने की कोशिश की। मौला ने हाथ पकड़ के उठाया, दोनों कंधों पे हाथ रखा, रतनबाई हमने तुम्हारा दूध पिया है, अमा हम बूढ़ा हो गया लेकिन तुम अभी भी जवान हो। नूर था उसके अंदर, यानी नूर किसको होता है, जो मोमन होते हैं, इबादत करने वालों को नूर मिलता है, नेक आदमियों के चेहरे पे नूर होता है, भले रंग काला भी हो मगर उसके चेहरे पे एक नूर होता है, और खूबसूरत सफेद रंग वाले बदमाश होते हैं तो भी उनके चेहरों के ऊपर लानत बरसती है। बीबी सोबिया दूध पिलाने के लिए रसूल अकरम को ले गई तो बीबी सोबिया भी कहा करती थी कि गोद के अंदर भी दूध पीते 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 आपकी आंखें खुली रहती थी लेकिन कुछ सोचते होते थे। तो रसूल अकरम की पैदाइश से ही आदत थी कि हुजूर इबादत करते थे, किताबों में यूं लिखा जैसे मैंने आपको कहा कि आप सोचा करते थे, थिंकिंग करते थे, ये तो शरीयती लोगों की बातें हैं। मैं इस्माइली मिशनरी हूं, हमारा तरीका जुदा है, हम रूहानी और नूरानी मजहब वाले लोग हैं। मोमिनो आप जो कुछ भी देखो नूर की नजर से देखो, शरीयत की नजर से मत देखो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत की नजर में 40 बरस के बाद नबी बने, हम कहते हैं नहीं वो तो जन्म से नबी था। हम तो पीर सदरुद्दीन ने कहा कि जिस दिन नबी मोहम्मद जन्मिया, ओ जी रे भाई रे, ऐसा तो सरगना दुआ।
جس دن نبی محمد جنا میں آ نبی محمد جنا میں آ یہ ہے اس کا درجہ. ہم اسماعیلی یہ مانتے ہیں, مسلمانوں کو کیا خبر, محمد 40 برس کے ہوئے تب نبوت ملی. کیوں ملی, کیسے ملی, کائے کو 40 برس تک ٹھہرنا پڑا, اس کے جواب ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس میں بتاؤں گا. آج میں نے آپ کو کہا میں 500 کتابیں آپ پڑھو گے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. معلوم نہیں میں پھر کبھی واپس آؤں یہاں. رسول اکرم لوگوں کی نظر میں سوچا کرتے تھوڑے بڑے ہوئے, 11-12 برس کے ہوئے تو آپ کے چچا, کیونکہ رسول اللہ کے جو باپ تھے وہ آپ کے جنم سے پہلے ہی گزر گئے تھے. چچا نے پہلے تو دادا نے پالا, پھر جب دادا عبد المطلب گزرنے لگے تو اپنے بیٹے ابو طالب کو محمد کا ہاتھ پکڑ کے دیا کہ یہ تیرا بیٹا ہے, دھیان رکھنا. حضرت ابو طالب مولا علی کے باپ تھے, ابا تھے. چچا نے پالا, 11-12 سال کی عمر ہوئی تو چچا کے ساتھ سفر پہ جاتے تھے کاروان میں بزنس وغیرہ کرنے کے لیے. حضرت ابو طالب جو تھے وہ ادھر سے سامان لے کے سیریا, شام, عراق وغیرہ جاتے تھے, وہاں بیچتے تھے, پھر وہاں کا سامان لے کے آتے تھے, خود کا سامان بھی لاتے تھے, دوسروں کا سامان بھی لاتے تھے, کمیشن ایجنسی بھی تھی ان کی. وہ زمانے کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک کوآپریٹو سوسائٹی بھی بنا رکھی تھی. ارے وہ زمانے کے اندر بڑی چیزیں تھیں. پیری میسن کے ناول پڑھو مگر اسلام کی کتابیں مت پڑھنا. اگر ہم اسلام کی کتابیں پڑھیں تو ہم کو تو ہمارے مذہب کی اتنی خوبیاں نظر آتی ہیں کہ اس کو ہم ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. 12 سال کی عمر میں چلے گئے, پھر واپس آئے تو چچا نے بھی دیکھا کہ اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, تو رسول اکرم شہر کے باہر روز چلے جانا کسی جھاڑ درخت کے نیچے بیٹھے رہنے. ہوتے ہوتے آپ نے ایک چھوٹی سی گفا ڈھونڈ لی, ایک چھوٹی سی پہاڑ کے اندر ایک درہ تھا, ایک گفا تھی, ادھر جا کے بیٹھنے لگے. وہاں ایکانت مل گئی. دوپہر کو یا شام کو گھر واپس آ جاتے تھے. یوں کرتے کرتے حضور کی عمر 25 برس کی ہوئی اور بی بی خدیجہ 2 دفعہ ودھوا ہو چکی تھی. ان کا بہت دفعہ مال لے کے رسول اللہ خود جایا کرتے تھے اور کمیشن اپنی لے لیا کرتے تھے. بی بی خدیجہ چاہتی تھی کہ تیسرا نکاح کرے تو رسول اللہ جو ان کی مال کی ایجنسی رکھتے تھے اور بیچ کے کمیشن کھاتے تھے اس کے اوپر نظر پڑی. بی بی خدیجہ ہاشمی تھی, بی بی خدیجہ بھی ہاشمی تھی جیسے حضرت رسول اللہ بھی ہاشمی ہے, ہمارا حضرت امام بھی ہاشمی ہے, ہاشمی خاندان سے تھیں. انہوں نے کسی آدمی کی معرفت سے پیغام بھیجا کہ محمد کو کہو اگر وہ تیار ہوئے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. بی بی خدیجہ 40 برس کی, رسول اللہ 25 برس کے کنوارے اور وہ ودھوا تھی مگر بڑی مالدار تھی. رسول اکرم نے قبول کر دیا, شادی ہوئی. بی بی خدیجہ نے جس محبت اور ڈیووشن کے ساتھ رسول اللہ کی سیوا اور خدمت اور پیار کیا ہے اس کی مثال کسی اور جگہ مشکل سے ملتی ہے. اتنا چاہتی تھی, صرف چاہتی ہی نہیں تھی, عبادت کرتی تھی نبی کی, محمد کو, اپنے شوہر کو عبادت کی نظر سے دیکھتی تھی, بہت پیمپر کرتی تھی. کہہ دیا کہ دیکھو اللہ نے بہت دیا ہے, ارے آپ کاہے کو بزنس کرو اور دوسرے ملکوں میں جاؤ, مجھے معلوم ہے آپ کا شوق کیا ہے, آپ کو ایکانت پسند ہے اور آپ خدا تعالیٰ کے متعلق سوچتے ہیں, میں خوش ہوں, میں راضی ہوں. تو رسول اللہ کہتے تھے اگر تم راضی ہے تو پھر میں ادھر رات گزارا کروں, یعنی گفا میں. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صبح چلے جاتے تھے تو ایک غلام کے ہاتھ, خدمت گار کے ہاتھ میں بی بی خدیجہ کھانا پکا کے ادھر بھیج دیتی تھی تو رسول اللہ کھاتے تھے اور وہ باقی پرسن لے آتا تھا.
बढ़ता गया, रसूलुल्लाह का खाना कमती होता गया। जब आपने कहा थे तो अगर इजाजत देवे तो मैं कभी कभी रात वहां निकालूं, तो कहने लगे खुशी के साथ। तो रसूलुल्लाह सारा सारा दिन, सारी सारी रात, एक एक दो दो रातें भी वहां गुजार देवे, कभी घर पे आ जावे, दो दो दिन उधर रहवे, एक दो दिन घर पे आवे। आस्ते आस्ते ये चीज बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ तक के हफ्ते हो जावे, एक एक दो दो वीक निकल जावे, नबी घर पे नहीं आवे और गुलाम खाना लेके जावे, कभी खावे नबी कभी ना खावे, ये चीज बढ़ती गई। इबादत का शौक बढ़ता गया, खुदा की मोहब्बत बढ़ती गई, प्रेम बढ़ता गया, दुनिया की चीजें घटती गई, भूख घटती गई, नींद घटती गई। मैं आपको सारी डिटेल्स क्या कहूँ, आप अभी समझ जाओ। 40 बरस की उम्र हुई और एक महीने से रसूलुल्लाह इस गुफा में बैठे थे, इस हिरा की गार में बैठे थे एक महीने से, और एक महीने से नबी ने ना पानी का एक ड्रॉप पिया, ना हुजूर ने कुछ खाना खाया, और न एक महीने से ऐसे दीवार के साथ टेक लगाई नहीं, इसी तरह से जैसे बैठे थे एक महीने से यूं ही बैठे रहे, और एक महीने से नींद नहीं की। हमारी क्या ताकत है कि हम इस तरह कुछ कर सके। एक महीने से ना खाना खाया, ना हुजूर ने पानी पिया, ना नींद की, ना टेक लगाई दीवार के साथ, यूं ही बैठे रहे। 30वीं रात और वो रात ये आज की रात थी, रमजान महीने की 23वीं रात थी। वो जमाने के अंदर रमजान महीने के रोजे का हुक्म नहीं हुआ था, लेकिन रसूलुल्लाह ने खुद ही रोजा रख लिया था। आप कभी नबियों की इतिहास हिस्ट्री पढ़ो तो हर एक नबी के साथ यही बना है, हर एक नबी के साथ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, आप कभी बाइबल पढ़ो तो देखो उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम ने भी 30 दिन हो गए थे रोजा रखा था, 30 दिन से खाया पिया नहीं था, और 30 दिन हुए नींद भी नहीं की थी हजरत ईसा नबी ने। और फिर अल्लाह का जब हुक्म आया तो इन्होंने अपनी नबुवत का इजहार किया। इसी तरह से बाइबल में यह भी इशारा है कि सूली चढ़ने से पहले, हालांकि हम लोग नहीं मानते कि नबी ईसा सूली पे चढ़े, लेकिन उन लोगों के कहने से कहता हूँ के सूली चढ़ने से भी पहले 30 दिन का हुजूर का रोजा था। मूसा अलैहिस्सलाम की भी नबुवत जाहिर होने का जब वक्त आया तो 40 दिन उन्होंने रोजा रखा। वो रोजा ऐसा होता था, नींद भी नहीं, खाना भी नहीं, भूख भी नहीं, कलाम भी नहीं। रसूल अकरम 30 दिन तक इसी हालत में थे, और इस 30वीं रात को आपने अल्लाह की इमामत का जो नूर था, क्योंकि इमामत अल्लाह की है, वो जो इमामत का जो नूर था उस नूर को हुजूर ने पाया। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कद्र की रात कुरान को, इसको लफ्ज कुरान इस सारे सूरा में किधर नहीं, हमने इसको उतारा। तफसीर लिखने वालों ने कुरान लिख दिया है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि एक इस्माइली मिशनरी की हैसियत से मैंने आपको कहा भी है कि कुरान का मतलब क्या, वो समझा के फिर आपको कह रहा हूं। ये किताब नहीं, ये किताब नहीं, इमामत का जो नूर है। उस दिन रसूल अकरम के ऊपर वो इमामत का नूर नाजिल हुआ, यानी उसकी शनाखत पता लगी। नबी मोहम्मद इमाम नहीं बने, लेकिन उनको इमामत का शनाखत हुई। वो कुरान नाजिल हुआ, हमने क्या देखा इसमें हजर इमाम के अंदर। हम इस्माइली मजहब की मर्ज तक हम अभी पहुंचे ही नहीं, बादाम तो तोड़ा ही नहीं, बादाम इसी तरह से छिलते के साथ है, और वो छिलता सख्त है, पत्थर जाएंगे तोड़ने के लिए, दांतों से नहीं टूटता और पत्थर भी नहीं है, तो बादाम के अंदर जो चीज पड़ी है वो तो यूं ही पड़ी है। हमको हजर इमाम ने बैतुल ख्याल में बोल दिया है वो बादाम है। मैं आपको इंशाल्लाह 3
बजे की आवाज में ये बादाम का पता दूंगा, बादाम क्या है, जो अभी तक छिलके में है, इसको तोड़ोगे फिर अंदर वो मगज निकलेगा, लेकिन फिर मगज निकले तो क्या खाओ। कभी आपको मगज खाना है 3 बजे ना, तो दिनदारो इमामत का पता लगा रसूलुल्लाह को, तुम क्या जानो अल्लाह कहता है कि लैलतुल कद्र क्या है, तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र ये आज की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, खैरुम मिन अल्फ शहर, खैर कहते हैं बेटर, बेटर बेटर देन 1000 मंथ, शहर कहते हैं महीने को, अल्फ शहर 1 महीनों से ज्यादा ये एक रात है, खैर है, बेहतर है, बेटर है। पहले तो ये है, अच्छा रात का मतलब क्या, महीनों का मतलब क्या, शरीयत की बातें तो हमने सुन ली, समी सांझ को सुनियों की किताबों में जो लिखा हुआ है हमने सुना, मगर दिनदारों इस सदर दिन के बगैर समझ नहीं आती, सतपंथ के अंदर जो मगज रखा हुआ है, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि तुम मगज खाओ, मेवे का मगज चखो, कर्नल खाओ, मगज रे मोमन मार गला धूं, तुम्हारा जो रास्ता है वो मगज है, ए वो लाधो तो घनेरो लाधो, अगर तुमको ये रास्ता मिल गया तो फिर कहते हैं बहुत इसके ऊपर अमल करो, इबादत करो, बहुत इबादत करो, मगज ये है। रात का मतलब अंधेरी, जिसमें सूरज नहीं होता, रात का मतलब अंधेरा समय, जुल्मात होती है, अंधेरा होता है, और फिर जब रात खत्म होती है तो दिन चढ़ता है, और दिन खत्म होता है तो रात आती है। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि जो अक्ल वाले हैं वो सोचते हैं कि हमने किस तरह से दिन में से रात निकाली और रात में से दिन निकाला, कैसी अच्छी आयत है, दिन में से रात निकाली, रात में से दिन निकाला। रात का मतलब अंधेरा, रात का मतलब इग्नोरेंस, नादानी, अज्ञानता, ये रात है, जुल्म है वो रात है, दिन जो है वो ज्ञान है, समझदारी है। हम जब तक इबादत करके नूर को नहीं पाते, हम रात में हैं, हमारे दिमागों के अंदर हमको क्या पता नूर क्या चीज है। नूर का मतलब सूरज की रोशनी, नूर का मतलब ईमान का नूर जो हमें इबादत में मिलता है, हम आंखें बंद करते हैं तो रात हो गई। इस रात के अंदर बैतुल ख्याल की इबादत में जब हमको, जिस तरह रसूलुल्लाह को इबादत के अंदर अल्लाह का नूर जो इमामत का नूर है जब उसका पता लगा तो हरक से दीवाने हो गए, इतनी खुशी हुई। रसूल अकरम भागे 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 घर पे आए, पसीने से रेब जेब हो गए। शरीयतों की किताबें मत देखो, देखो मगर उसमें उसके ऊपर ईमान मत लाना। वो लोग कहते हैं रसूलुल्लाह फरिश्ते को देख के डर गए, अरे अरे 1,24,000 नबियों का सरदार खातमुल मुर्सलीन और वो फरिश्ते को देख के डर जाए, क्या कहते हैं, यानी तुमने मोहम्मद को क्या समझ रखी, ऑर्डिनरी आदमी से भी नीचे गिरा दिया। डर नहीं गए। फिर शरीयतियों की किताबों में लिखा है कि जब 6 महीने तक वही बंद रही तो हुजूर को खुदकुशी करने का, आपघात करने का इरादा होता था। देखो तो सही, रसूलुल्लाह के ऊपर कैसा इल्जाम रखते हैं, उसके ऊपर कैसा आरोप रखते हैं, रसूल होके नबी होके वो जान देना चाहे, पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपने आप को गिरा देने के लिए तैयार हो जाए, हम नहीं मानते। किताबों में लिखा है
اسی لیے حضر امام نے ایک دفعہ ہمارے بڑے لوگوں کی کانفرنس میں کہا تھا کہ تم شیعہ مذہب کی کتابیں پڑھو. سب سے بڑے شیعہ تو ہم ہیں اسماعیلی, اپنی کتابیں پڑھو, اپنے گھر کی ہسٹری پڑھو. رسول اللہ نے جب وہ چیز پائی تو حرق سے آپے سے باہر ہو گئے. جس طرح خوف اور ڈر سے آدمی کی کانشنس کلاؤڈی ہو جاتی ہے, خوف اور ڈر سے پاؤں کانپنے لگتے ہیں, خوف اور ڈر سے پسینہ آ جاتا ہے, خوشی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایکسٹریم فیئر کے اندر آدمی کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے. میرے شہر امرتسر میں ایک چھوٹا سا پان بیچنے والا آدمی تھا, آٹھ آنے نو آنے روز کماتا تھا. مولتا کی وہ زمانے میں لاٹری نکلتی تھی, اس کو کچھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگ گیا. جب اس کو تار ملا تو تار ہاتھ میں رہ گیا اور ہارٹ فیل ہو گیا. خوشی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ یہ دو ایکسٹریم چیزیں ہیں. رسول اکرم اتنے خوش ہو گئے, خوشی سمائی نہ گئی, اٹھے اور بھاگے ایک بچے کی طرح. چالیس برس کی عمر کے اندر بھاگتے 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 گھر پہ آئے. بی بی خدیجہ نے دیکھا, پسینے سے ریب ریب ہو گئے. کہتے ہیں خدیجہ مجھے ٹھنڈی چڑی ہے. اس نے فوراً پلنگ پہ لٹایا, اوپر کمبل اڑا دیے. کہنے لگا رسول کہتا نہیں میری ٹھنڈی نہیں اترتی. وہ ٹھنڈی دنیا کی ٹھنڈی کو سمجھی, جیسے کہ انسان کو بخار میں ٹھنڈی چڑھتی ہے, ملیریا میں چڑھتی ہے. میری خدیجہ کو تو پتا نہیں تھا نا اس درجے کا. سارے گھر کے بلینکٹ اور جتنے بھی گدولے تھے ان کے اوپر ڈال کے خود اوپر بیٹھ گئی. رسول کہتے ہیں اس سے نہیں, لیکن خود ہی تھوڑی دیر جب شانتی ہوئی کہتے ہیں خدیجہ جی میں خدا کا نبی بنا ہوں. نبی تو جنم سے تھے, اب ان کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ مشن کے اوپر. اس نے کہا آمنا صدق انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ لیل کہتے ہیں رات کو, رات کہتے ہیں اگنورنس کو. اگنورنس نادانی, دنیا داری. اس زمانے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ گھور اندھار زمانہ تھا, رات کا زمانہ تھا. پھر صدر دین ماں باپ فرماتے ہیں کہ اس کلیوگ کے 4,32,000 برس ہیں, اور کلیوگ کو بیٹھے ہوئے پھر صدر دین تک لگ بھگ 6,500 برس ہوئے. پھر صدر دین کو 550-600 برس ہو گئے, تو 7,000 کے قریب برس ہو چکے ہیں. کل یگ نکل گیا, یعنی کل یگ کے 4,32,000 برس 432,000 ایئرز میں سے 7,000 برس نکل گئے ہیں. باقی کتنے رہے؟ 4,25,000 برس کل یگ کے باقی ہیں. ایک چھوٹی سی فریکشن گئی ہے اس کی. کلیوگ کے 4,32,000 برس باقی ہیں, اور کلیوگ کو رات کے ساتھ سمبودھا گیا ہے. کلیوگ یعنی رات, کیونکہ کلیوگ کے اندر پاپ بہت ہے, گناہ بہت ہے, عبادت بہت کم ہے, نیکیاں بہت کم ہیں, اچھائیاں بہت کم ہیں, عبادت بہت کم ہے, دنیا داری زیادہ ہے, موہ ممتا حرص حواس زیادہ ہے. یہ رات, مگر اس رات کے اندر یہ درجہ خدا نے رکھا کہ اپنا نور اتارا اور فرمایا کہ یہ رات 1,000 مہینوں سے بہتر ہے, بہتر ہے. بھلا ایک مہینے میں راتیں کتنی؟ 30. تو 1,000 مہینوں کے اندر 30,000 راتیں ہوں, اور رات تبھی ہی رات گنی جاتی ہے کہ جب اس کے بعد تھوڑا سا دن آوے. یعنی دن رات کے بغیر نہیں ہے اور رات دن کے بغیر نہیں ہے. رات آوے اس کے اندر دو راتوں کے درمیان دن ہوتا ہے. یعنی کلیوگ کی یہ جو 4,25,000 برس کی جو رات ہے, اس رات کے اندر برائٹ پیریڈز بھی ہیں,
कि जिन ब्राइट पीरियड्स के अंदर इबादत करके इंसानों को नूर मिलता है, इलम मिलता है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, खुदा की नियामतें मिलती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लैलतुल कद्र जो एक सिंबॉलिक रात है आज की, रमजान महीने की 23वीं रात थी जब रसूल अकरम को ये चीज नसीब हुई, बख्शिश मिली और उन्होंने दुनिया के ऊपर जाहिर की, तो ये 23वीं रमजान जो आज है ये सिंबॉलिक रात है कलयुग के सामने। अगर कोई आदमी आज इस रात को एक तस्बीह निकाले तो उसको 1000 महीने तक वो तस्बीहां निकाले, 1000 महीने तक विदाउट फेल कंटिन्यूअसली अगर वो तस्बीहां निकाले तो उसको जितना सवाब मिले उससे ज्यादा सवाब आज रात को एक तस्बीह निकालने में मिले, 60,000 गुना ज्यादा सवाब मिले। अगर आज की रात आपने इबादत की, अगर आज की रात आपने दुआ पढ़ी, आज की रात आपने एक दफा कहा या अल्लाह, तो आपने 60,000 दफा कहा, उससे भी ज्यादा सवाब आज एक दफा कहने में मिलेगा। लैलतुल कद्र खैरु मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से इसका मर्तबा बड़ा है। फिर फरमाया है कि इस रात के अंदर नाजिल होते हैं अल्लाह के फरिश्ते और रूह, रूहें प्लूरल नहीं है, मलाइका तो वो प्लूरल है, मलाइका और रूह, रूह सिंगुलर फॉर्म में अल्लाह ने फरमाई है इसके अंदर, अरवाह नहीं कहा, प्लूरल नहीं कहा, स्पिरिट, रूह किसकी, अल्लाह की रूह, फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं। फीहा इसके अंदर, इस रात के अंदर अल्लाह के फरिश्ते और उसकी रूह नाजिल होते हैं, बेइज़्ने रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, मिन कुल अमरिन हर एक बाबत के बारे में हुक्म लेकर इस रात नाजिल होते हैं, मिन कुल अमरिन हर एक बाबत में, जिस तरह मैंने आपको समझाया, कुल शैयन समझाया, इसी तरीके से इसको समझो के मिन कुल अमरी हर एक अमर की बाबत में, हर एक बाबत के अंदर अल्लाह का हुक्म लेके आता है। क्या मतलब है भला इसका, इसकी ताबीर क्या हो सकती है, कि अगर आज की रात तुमने इबादत की तो ये वो रात है कि पहले तो तुमको 1000 महीने तक अगर तुम बंदगी करो और आज बंदगी करो तो उन 1000 महीनों की बंदगी के सवाब से आज की रात का सवाब बड़ा है, क्योंकि इस रात में, मैंने आपको रात का मतलब समझा दिया है, वो रात कौन सी, कलयुग, कलयुग रात का समय है जिसमें पाप ज्यादा है, गुनाह ज्यादा है, बदियां ज्यादा है, बुराइयां ज्यादा है, नादानी ज्यादा है, अंधकार पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह रात में चांद निकलता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी भी आती है, तो इस कलयुग के अंदर भी इबादत वाले, इलम वाले, नेक अच्छे लोग थोड़े थोड़े दुनिया के अंदर सितारों की तरह बैठे हुए हैं। तो चांद कौन हुआ, मोमन मुनीवर तो तारे हैं, स्टार उसकी तरह, तो चांद कौन हुआ, चांद जो है वो पीर है, नबी नबूवत जो है वो चांद है, पीरी जौमा नबूवत का जौमा है। तो सूरज कौन है, सूरज इमाम है। अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया कि कयामत जब नजदीक आएगी तो चांद सूरज साथ निकलेंगे, चांद सूरज साथ निकलेंगे। इस्माइली हिस्ट्री देखो, मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर इमामत अली के पास थी, नबूवत नबी मोहम्मद के पास थी, इमाम हुसैन के जमाने में इमामत हुसैन के पास थी, नबूवत हसन के पास थी। हर जमाने के अंदर इमाम के साथ एक पीर होता था, और पीर भी इमाम की फैमिली में से होता है, दीनदार पीर जो है वो इमाम की फैमिली के बाहर नहीं हो सकता। सबजली को पीर का दर्जा दिया है लेकिन सबजली पीर नहीं,
जो फिर सदरदीन के पास पीरातन है, जो फिर हसन कबीर दीन के पास पीरातन है, जो शाह करीम सलवातुल्लाह अलैह के पास पीरातन है, हजर इमाम पीर भी है। वो पीरी जोमा, वो पीर का दर्जा न तो इस्माइल गांगजी के पास है, न तो सब्जली मिशनरी के पास है। ये एक उनको मौत के बाद मर्तबा दिया गया है। जैसे इबादत करने से बहुत अच्छी तरह से नेकी के साथ जिंदगी गुजारे, आला दर्जे का मोमन बने और फिर वो मर जाए तो उसका रूह असल में वासल हो गया, हजर इमाम के नूर में मिलके वो हजर इमाम बन गया। लेकिन जीवन में नहीं, जिंदगी में नहीं, ऐसी तरह से सब्जली मिशनरी या वजीर इस्माइल गांधी जूनागढ़ वालों को पीरों का पीर का दर्जा जो दिया उनकी मौत के बाद मिला, हयाती में नहीं, उनके पास पीरी जमा नहीं था। और पीरी जमा उसी को मिल सकता है जो हजर इमाम की फैमिली में से होवे, वो हाशमी होवे, रसूलुल्लाह की आल में से, अहले बैत में से होना चाहिए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि तलक, हमारे 47 इमाम जो पहले हो गए, अलबत्ता उनमें से बहुत से ऐसे इमाम थे कि अपने बाप की इमामत के टाइम में उनके पास पीरी जमा था, फिर जब खुद इमाम बन गए तो अपना पीरी जमा या भाई को दे दिया या बेटे को दे दिया। मौलाना हसन अली शाह मां बाप ने पीरी जमा अपनी माँ को दिया, पीर बीबी सरकार माता सलामत को पीरी जमा दिया हसन अली शाह मां बाप ने, और इंडिया भेजा, मस्जिद भेजा, कच्छ में भेजा। उस वक्त कच्छ के अंदर जमात में जरा तड़ा पड़ गया तो मौलाना हसन अली शाह मां बाप ने अपनी माँ को पीरी जमा दे के इंडिया भेजा, मगर अपनी फैमिली में रखा। और जब पीर बीबी सरकार गुजर गई तो पीरी जमा मौलाना अली शाह को अपने बेटे को दे दिया। तो पहले ऐसा होता था कि बाप इमाम होवे, बेटा पीर होवे, लेकिन जब बेटा इमाम बनता था बाप के बाद तो अपनी पीरी जमा या भाई को दे देवे या अपने बेटे को दे देवे। लेकिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब उनका भतरीजा मौलाना सैयद अबुल हसन शाह जो 48 में 48 पीर थे, 6 महीने की उम्र में सैयद पीर आगा अबुल हसन शाह 6 महीने की उम्र में गुजर गए। उस वक्त इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की इमामत को खाली 3 महीने हुए थे, तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने पीरी जमा अपने पास ही रख लिया, किसी को दिया नहीं। सैयद अबुल हसन शाह पीर आगा शाहबुद्दीन शाह के फर्जंद थे, पीर आगा शाहबुद्दीन शाह के पास पीरी जमा था और बाप उनके जो थे आगा अली शाह मां बाप थे। पीर आगा शाहबुद्दीन शाह सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे, आगा अली शाह मां बाप के बेटे थे। पीर आगा शाहबुद्दीन शाह जब गुजर गए तो थोड़े दिनों के या थोड़े वीक्स की उम्र, मेरा ख्याल है 7-8 दिन के थे या 2 वीक के होंगे सैयद अबुल हसन शाह, और बाप गुजर गया तो मौलाना अली शाह ने इस 1 महीने से छोटे बच्चे को पीरी जमा दिया। जब ही पीरी जमा दिया, दरखाने का मुखी लागत भाई हाजी था, इस्माइल कासमानी कामड़िया थे बॉम्बे दरखाने के अंदर। जब ही मौला ने इस 1 महीने से भी छोटे बच्चे को पीरी जमा दिया तो हमको तो जमे के साथ निस्बत है, बदन के साथ नहीं, और नूर को निस्बत एज के साथ कुछ नहीं। नूर जो है वो ऐसा नहीं समझना कि जाहिर भाने किसकी उम्र छोटी होवे तो वो नूर के लायक नहीं बनता। कुरान पढ़ो, बीबी मरियम छोटे से अभी अभी जन्मे छोटे बच्चे को, अभी वो चंद महीनों का भी नहीं हुआ ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेके शहर में जब आई, अपने गांव में लौटी, तब तक तो शोर बकोर हो गया, लोग गांव के बाहर इकट्ठे हो गए, मैंने ताने मारने लगे, हे मरियम तेरी माँ तो बड़ी पाक है, तेरा बाप तो बड़ा पाक है, ये तूने क्या किया, यानी तूने शादी तो नहीं की और बच्चा पैदा किया, यानी आरोप लगाया ना बीबी मरियम के ऊपर। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, मैंने मरियम को हुक्म किया, हे मरियम बोलने का रोजा रखो, यानी बोलना मत, बोलने का रोजा रखो। जब मरियम को कहा, है मरियम तेरी माँ तो बड़ी पाक है, तेरा बाप तो बड़ा पाक है, तूने क्या किया, तो उसने बच्चे की तरफ इशारा किया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ उंगली की। तो नबी ईसा
इस उम्र में कहने लगे, हाँ मेरी माँ पाक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा नाम ईसा मसीह है और मेरे ऊपर किताब नाजल हुई है, मुझे इबादत और नमाज का हुक्म किया गया है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, इतना छोटा बच्चा, थोड़े दिनों का बच्चा वो बोलता है और इस तरह बोलता है जैसे कोई बुजुर्ग बोलता है। उमर के साथ नूर की तनासुब मत करो, नूर तो नूर है। अगर खुदा ताला किसी पत्थर में नूर नाजिल कर डाले तो वो पत्थर बोलता है आज ही की नाम पड़ा गया, एक तिल रहमत जो मैं छोड़ू तो पत्थर बोले सोए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक झाड़ की शक्ल में नूर दिखाया, पहला बोला फनशाह को पीरी जमा मिला, मुखी कमलिया ने पैरामनी तैयार की, मेहमानी तैयार की, जमात के आगे वहां नवलदारों को इकट्ठा किया, वो जमाने में काउंसिलें नहीं थी, जब्बे पहने, पगड़ियां पहनी, हलूद लगाया और फिर सलामत की पैरामनी लेके घर बंगले। एक महीने के पीर सैयद अबुल हसन शाह घोड़िया में पंघूड़े में सोए थे, जो नर्स थी उसने आके कहा कि हुजूर सोए बैठे, जब उठे तो हमको कहना। थोड़ी देर के बाद फिर सैयद अबुल हसन शाह ने आंखें खोली तो भागी भागी बाहर गई, मुखी साहब पीर साहब जागते हैं, अंदर आए, सलाम किया तो हाथ उठा के फिर सैयद अबुल हसन शाह ने सलाम का जवाब दिया, हाथ लंबा किया, पैरामनी आगे दी, हाथ लगाया, पैरामनी कबूल की। हमारे मजहब को कभी आप जानो, अपने मजहब की हालतें अगर पता लगे तो हमें बहुत मजा आता है। हमारा मजहब ऑर्डिनरी चीज नहीं, शरीयती लोग हमारे मजहब को नहीं समझ सकते। बीमार आदमी, बे औलाद औरतें, मुफलिस नादार लोग सैयद अबुल हसन शाह के पास, घोड़िए के पास घुटने टेक के हाथ बांध के दुआ मांगते थे, फिर सलामत मैं बे औलाद हूँ, आप दुआ करो, तो हाथ उठा के जैसा हाथ उठाते थे वो लोग सर झुकाते थे तो सिर पे हाथ रखते थे। बे औलादों को औलाद दी, बीमारों को शफा दी, मिस्कीनों को दौलतमंद बनाया। 6 महीने की उम्र में सैयद अबुल हसन शाह गुजर गए। उस वक्त मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की इमामत को 3 महीने हुए थे, क्योंकि जिस वक्त शाह खलीलुल्लाह, पीर शाह खलीलुल्लाह जब वफात पाई तो अली शाह माँ बाप 3 महीने के बाद गुजर गए और इमामत मौला सुल्तान मोहम्मद शाह के पास आई, मगर पीरी जोमा उस वक्त सैयद अबुल हसन शाह के पास था। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने पीरी जोमा भी अपने पास रख लिया, हजर इमाम के पास भी दोनों जोमे हैं। मैं कुरान शरीफ की वो आयत फिर आपको याद कराऊं, अल्लाह फरमाया है जब ये कयामत नजदीक आएगी तो शम्स और कमर साथ में निकलेंगे, शम्स और कमर ये सूरज और चांद, अभी तो दोनों मशरक की तरफ जाते हैं लेकिन कभी मान लो कि ये जाहिर के सूरज और चांद, कभी सूरज निकला और चांद भी साथ निकलेगा तो चांद तो दिखेगा ही नहीं, सूरज की तेज और रोशनी के अंदर चांद तो दिखेगा ही नहीं। क्या खुदा ताला का यह मतलब है कि ये जाहिर के चांद और सूरज साथ निकलेंगे? अल्लाह करे तो हो सकता है, वो हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है, लेकिन उसके अंदर भेद ये है कि शाह और पीर दोनों जोमे साथ निकलेंगे, ये दोनों जोमे साथ हो गए। हजर इमाम का जोमा और पीर का जोमा एक ही जगह इकट्ठा हो गया, हजर इमाम शाह भी है, पीर भी है। सुल्तान मोहम्मद शाह से ये चीज चली, 90 बरस से ऊपर हो गए, 100 बरस हो गए, 1885 के अंदर सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम बने और अभी 83 है, 2 बरस बाकी है, 98 ईयर्स हुए कि ये शम्स और कमर, शाह और पीर, इमामत और नबूवत दोनों नूर साथ हो गए। ये कयामत का वक्त आ रहा है, इसी समय को रात कहा गया,
यही रात है कि जिस रात के अंदर अगर एक तस्बीह निकालोगे तो 7,000 तस्बीहों का एवज मिलेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। एक घंटा इबादत करोगे तो 7,000 घंटों से ज्यादा इबादत का एवज मिलेगा। सारी रात इबादत करोगे तो 1,000 महीनों तक बंदगी करते रहो, उससे भी ज्यादा मिलेगा। रसूलुल्लाह फरमाया, अगले जमानों के अंदर लोग एक इबादत करते थे एक यूनिट, तो उसको उतना ही इवज मिलता था। आज इस वक्त मेरी हयाती में, मेरी नबूवत के दरमियान, अगर कोई आदमी मेरे हुक्म के ऊपर 10% अमल नहीं करेगा और 90% करेगा तो भी उसको सजा मिलेगी। मगर ऐसा जमाना आएगा कि कभी 10% अमल करेगा तो उसको 100 का बदला मिलेगा, ये जमाना। तो इस कलयुग की रात के अंदर, गुनाहों पापों बदियों बुराइयों से भरी हुई रात के अंदर, बहुत थोड़े लोग हैं जो इबादत करने वाले हैं। उनको ये इमामत का नूर मिलता है, उनके ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह, मैंने आपको कहा सिंगुलर फॉर्म में आया है, अरवाह नहीं आई, रूहें नहीं, रूह, और वो रूह इमामत है जो हर एक बाबत के अंदर खुदा की तरफ से हुक्म करते हैं। यानी उसका मतलब ये हुआ कि जो हाजिर इमाम है उसका हुक्म अल्लाह का हुक्म है, हाजिर इमाम का जो रूह है वही अल्लाह का रूह है, हाजिर इमाम की शनाखत ही इबादत है, हाजिर इमाम के नूर की शनाखत का नाम ही इस्माइली मजहब है, हाजिर इमाम की नूर की शनाखत का नाम ही इस्लाम है, और उसके हुक्म पे अमल करना ही दीन है। यह हमारा तरीका है। हम वो इस्माइली हैं कि जो आम मुसलमानों से जुदा हैं। इसलिए जुदा हैं, देखो मैंने आपको जो कुछ भी कहा, एक घंटे और 10 मिनट के अंदर मैंने आपको सिर्फ लैलतुल कद्र की बाबत ही कही, लेकिन कितनी बातें कही आपको, और आपको पता लग गया कि हम आम दूसरे मुसलमान भाइयों से क्यों जुदा हैं। इसलिए जुदा है, इसलिए जुदा है कि हम इस्लाम दीन के अंदर जो भेद है उसको हम जानते हैं, और भेद ये है कि अल्लाह ताला के नूर दुनिया के अंदर जो जुदे जुदे स्वरूप में जाहिर होता है, जैसे कि हाजर इमाम नूरुन अला नूर, सूरत नूर की जो आयत है उसको याद करो, लाइट अपॉन लाइट, नूर के बाद नूर नहीं, नूर के ऊपर नूर, नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर। अगर हम ये कहें नूर के बाद नूर, तो उसका यह मतलब है कि एक नूर अलग है, दूसरा नूर अलग है। मगर कहा गया कि नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर, नूर एक ही है मगर उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और वो रोशनी बढ़ती जाने का मतलब क्या, बख्शिशें बढ़ती जाती हैं। इस जमात खाने के अंदर ऐसे बहुत से भाई बहन हैं कि जिनकी उम्रें 60 बरस के ऊपर हैं, इन बच्चों को जो 40 बरस के नीचे हैं उनको पता नहीं है अपनी बहुत सी चीजों का, लेकिन जो 60 बरस के ऊपर के आदमी भाइयों और भाइयों के अंदर हैं उनको बहुत सी पुरानी चीजें याद होंगी। 2 बजे रात को बैतुल ख्याल में आते थे, 2 बजे रात को बंगली में जाके रात को 2 बजे मजलिस शुरू होती थी, 3 बजे इबादत पे बैठते थे, 5 बजे तक 2 घंटे की बंदगी होती थी, उसके पहले 3 घंटे की बंदगी होती थी 2 से 5, और उसके पहले असम अली शाह अली शाह माँ बाप के जमाने में रात को 12 बजे बंदगी पर बैठते थे, सुबह 5 बजे तक 5 घंटे की बंदगी होती थी। मैं छोटा था, सियालकोट गया, सियालकोट हमारे रिश्तेदार रहते थे, पंजाब की सबसे बड़ी जमात सियालकोट में थी, हर बरस में एक दफा वहां मजलिस बनती थी। उस जमाने के अंदर जो सियालकोट का जमात खाना था, वहां सियालकोट गांव के अंदर से एक नदी निकलती है, उसको एक कहते हैं,
इस नदी के उस पार जमात खाना था। रात को 2 बजे बूढ़े आदमी, क्योंकि वो जमाने के अंदर बैतुल ख्याल वो लेते थे कि जब उम्र बड़ी हो जाती थी, दुनिया की कोई तलब नहीं रहती थी, बूढ़े लोग रात को 2 बजे उठ के ये नदी के अंदर पांव से, क्योंकि पुल नहीं था, पांव से पानी के अंदर कमर तक पानी, और पानी कैसा, क्योंकि ये नदी कश्मीर के पहाड़ों से आती है, हाथ डालो तो सुन हो जावे, इतना ठंडा। जूतियां उतार के इधर बांध के रख लेते थे, और वो लोग के जिनके घर में छोटे बच्चे थे और घरवाली भी इबादत में थी, तो ये बूढ़े बूढ़ी अपने पोतरे को या अपने बेटे को कंधे पे उठा के ये एक की नदी में से, पानी में से निकल के सामने जाके इबादत करते थे, और एक दिन भी फेल नहीं होते थे। 365 दिन में एक दिन भी नागा नहीं करते थे, वो इबादतें करते थे। आज कभी हमको करना पड़े तो हम करें। मेरे भाइयों बहनों, हम लोग इस्माइली मजहब लेके इस्माइली मजहब को समझे ही नहीं। क्या आपने बैतुल ख्याल का बोल नहीं दिया? क्या आपने बैतुल ख्याल के बोल के लिए कॉल नहीं दिया? क्या आपके ऊपर बैतुल ख्याल की इबादत फर्ज नहीं? फिर बैतुल ख्याल में आपकी हाजिरी क्यों नहीं? इसलिए कि आप कलयुग की रात में सो गए हो, जाहिर की आंखें नहीं सोई, दिल सो गए हैं। इस्माइली मजहब का पता नहीं, इस्माइली मजहब का मजा चखा नहीं, बादाम नहीं खाया अभी तक। तो उस जमाने के अंदर रसूलुल्लाह फरमाया कि ऐसा जमाना आएगा कि मेरी हुक्म के ऊपर, मेरी बातों के ऊपर, मेरे मजहब दीन के ऊपर अगर कोई 10% अमल करेगा तो 100% उसको फायदा मिलेगा। जैसा कि आज हम एक देवे तो 1.25 लाख मिलता है, कदर बढ़ गई। कदर का मतलब वैल्यू बढ़ गई, उसका माप बढ़ गया, रेशो प्रोपोर्शन बढ़ गई, ये है कदर का मतलब। 1 शिलिंग दो और 1.25 लाख का सवाब मिले, इसका नाम है कदर। उसका वजन बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ गई। जैसे दुनिया के अंदर बहुत सी करेंसीज हैं, एक दूसरी करेंसीज के सामने डी वैल्यू हो जाती है, रीवैल्यू होती है, इधर ये चीज अल्लाह फरमाता है कि ये कद्र की रात, कल युग का जो समय है, गुनाहों से पाप से भरा हुआ समय है, इस समय के अंदर अगर तुम एक तस्बीह निकालोगे तो 1000 महीने तक तुमने तस्बीह निकाली, मैं इतना सवाब दूंगा। ये कद्र है। और फरमाया कि सलामुन ही आहता मतलाइल फज्र, कि सलामती है इस बाबत के अंदर, यानी मेरा कॉल मेरा वचन सच्चा है, ये रेट जो है कि 1 का 1.25 लाख, ये रेट में फर्क नहीं होएगा, कयामत तक यही रेट रहेगा। सुबह का मतला, सुबह की रोशनी, ट्विलाइट निकले, डॉन पैदा हो जाए, तब तलक तुमको इतना ही सवाब मिलेगा। सलामती ही सलामती है, यानी कयामत तक का यह सारा हुक्म कर दिया गया। आज कद्र की रात बहुत इबादत करो, बहुत बंदगी करो। और हमारे मजहब का कर्नल, मैंने आपको कहा कि मैं आपको 3 बजे कहूंगा, लेकिन बादाम तो दिखाऊं कि बादाम कौन सा है? गिरी तो उस वक्त निकलेगी ना 3 बजे, वो बादाम कौन सा? वो इस्माइली दीन है। मौला फरमाया कि तुम बादाम का छिलका मत खाओ। इस्माइली दीन का छिलका क्या है? इस्माइली दीन का छिलका क्या है और उसका मगज क्या है? मैंने आपको थोड़े से इशारे किए हैं। हज़रत इमाम की नूर की जब हमें शनाख्त हो जाती है ना, तो बस वो स्वाद जो होता है वो कहा नहीं जाता। लेकिन ये इस्माइली दीन जो है ये बादाम है, और इसका छिलका दुआ पढ़ो, जमात खाने आओ, तस्बीह निकालो, हमारी समी सांझ और सुबह की दुआएं और जो तस्बीहां हैं, हम इस्माइली हैं, जमात खाने आते हैं नहीं आते,
वीक में एक दिन आते हैं, चंद रात को एक दिन आते हैं। सबदली मिशनरी कहा करते थे कि हमारी जमात के अंदर चार किस्म के लोग हैं। कहते हैं एक आती, एक जुमेराती, एक चंद्राती, एक मनबाती। सबदली मिशनरी कहते थे आती वो हैं कि जो रोज आते हैं, जुमेराती वो हैं वीक में एक दिन आते हैं, चंद्राती वो हैं कि जो सिर्फ चंद्रात को महीने में एक दिन आते हैं, और मन भाती वो है कि समर मंडाने के लिए या बच्चे की शादी के लिए या ऐसा कोई खास प्रसंग आवे, कभी मौला आवे तो आवे, ये मन भाती है। अभी मन भाती ज्यादा हो गए, चंद्राती उससे कम है, जुमेराती उससे कम है और आती उससे कम है। अब वो जो आती है उनके हाथ में भी बादाम है, लेकिन हर वक्त पकड़ के रखा है, तोड़ते नहीं। बादाम को तोड़ो, तोड़ने का मतलब अपने मजहब के ऊपर मेहनत करो। याद रखो मोमिनो, दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो मेहनत के बगैर मिले, कोई चीज भी मेहनत के बगैर नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने इसको मोहर लगाई है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, नहीं मिलेगा किसी भी इंसान को कुछ भी जब तक के वो मेहनत नहीं करेगा। मेहनत करो, अपने मजहब के ऊपर अमल करने की मेहनत करो। और हमारा ऐसा मजहब है कि हमारे मजहब के अंदर ऐसे बादाम भी हैं कि जिसको हथौड़े मारने की या पत्थर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, दांत से दबाओगे तो टूट जाएगा। और ऐसे कागजी बादाम भी हैं कि सिर्फ उंगली से दबाओगे तो टूट जाएंगे, अंदर से कर्नल निकलेगा। वो बादाम कौन से हैं? एक तो वो बादाम है कि जो पत्थर से तोड़े जाए। वो बादाम ये है कि वो आदमी जो रोज जमात खाने आता है, दस्तखत देता है, दुआ पढ़ता है और समझता है कि मैं इस्माइली हूं, अलबत्ता वो इस्माइली है और पक्का इस्माइली। अभी उससे जो बेहतर इस्माइली वो है कि जो दुआ पढ़ते हैं और दुआ को समझते हैं, दसवन देते हैं तो दसवन का मजा उठाते हैं। आपको मालूम है दसवन देने में भी एक स्वाद है, दसवन देने में भी एक मजा है, दुआ पढ़ने के अंदर भी एक्सटेसी है। बंदगी करने की बात छोड़ दो फिलहाल, हम अपनी तरीके की बात करें। वो लोग कि जो सिर्फ ओपरे मन से सब कुछ करते हैं, यानी उनका बदन जमात खाने में होता है और दुआ पढ़ाने वाला दुआ पढ़ा रहा है, इनका दिमाग बाहर घूमता है। इसके हाथ में बादाम तो जरूर है मगर टूटा नहीं। दुआ पढ़ाने वाले ने जब इस सज्जा दिया तो ये भी जरा ऐसा कर लिया। कई लोग तो सज्जे में ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। वो सज्जा देने वाले ने तो सज्जा दिया मगर ये यूं भी नहीं करते। और कई लोग हैं वो जरा ऐसा तरह कर लेते हैं। जिंदारो, खुदा आपकी कमर को पतला करे, झुक जाओ जितना झुक सकते हो। मौला के कदमों में जितनी दूर तक जा सकते हो उतना तो झुको, जितना नीचे तक जा सकते हो उतना जाओ, तो खुदा ताला कहेगा कि हाँ भाई चर्बी ज्यादा है इसकी कमर में, नहीं झुक सकता, चलो इतना कबूल कर ले। खुदा तो नियत को कबूल करता है। अच्छा, मिशनरी साहब कभी नियत को कबूल करता है तो ऐसा करने से भी नियत कबूल हो जाती है। अगर ये समझते हो तो उसका मतलब यह है कि गर्दन की बीमारी है। अगर कभी नीचे एक शिलिंग गिर जावे खड़े खड़े तो नीचे झुकोगे कि नहीं? शायद शिलिंग के लिए ना झुको, हीरे की अंगूठी गिर जाए तो छोड़ दोगे? झुकोगे ना? मौला के दरबार में आके जितना जा सको नीचे उतना झुक जाओ। मौला, लाचार हूं कि तेरे पांव तक नहीं पहुंच सका। ये हमारे लिए एक समझ की बात है। जब हम दुआ पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम वखान उस पालने वाले का कि जो सारे जहानों को पालता है। तो कभी मैंने ये समझा कि सारे जहानों को कभी पालने वाला है उसका सारा वखान है तो उसके अंदर मैं भी तो हूं। अर रहमान रहीम, वो बड़ा बख्शिश वाला और रहम वाला दया वाला है। मालिक यौमिद्दीन,
हिसाब किताब जिस दिन मांगेगा उस दिन वो वही मालिक है, तो मेरे को ये ख्याल रहे मेरा हिसाब किताब तो होगा, मुझे इस बात की कॉन्शियस रहनी चाहिए। हज़रत इमाम के बहुत से फरमानों के अंदर है कि हम हिसाब किताब के दिन को मानते हैं। हमारा ये ईमान है कि हमारा हिसाब लिया जाएगा, और हिसाब लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। हमारे गिनान भरे हुए हैं, कुरान शरीफ भरा पड़ा है, हज़रत इमाम तमाम इमामों के फरमानों के अंदर हिसाब किताब के दिन का जिक्र है। क्या हम इस बात के लिए कॉन्शियस हैं कि हमारा हिसाब होगा? क्या सचमुच अगर हमको ये कॉन्शियसनेस रहे, अगर हमारे दिमाग में यह जागृति आ जाए कि हमारा हिसाब होगा, मुझे मौला के पास खड़ा होके सब कुछ देना पड़ेगा, ईर्ष्या हसद बुगत कीना निंदा बदगोई बदियां बुराइयां ये सब मुझे हिसाब चुकाना पड़ेगा, अगर ये एहसास आवे तो इंसान के दिल के अंदर डर पैदा हो जाता है, खुद ब खुद उसका कैरेक्टर ठीक होने लगता है, उसके बादाम का छिलका नरम हो जाने लगता है, उसको हथौड़े की जरूरत नहीं, वो तो दांत से तो क्या हाथ से दबाओगे तो वो टूट जाएगा। हे जी काचे कुंभे नीर ना रहे माह जल भरे तो गई जाए। जिस तरह एक कच्चा मिट्टी का बर्तन उसको आग में पकाया नहीं है जब तलक उसमें पानी डालोगे तो वो टूट जाएगा, इसी तरह से जो आदमी दुख उठा के अपने मजहब के ऊपर मेहनत करके कुर्बानी दे के भोग दे के तकलीफ उठा के अगर उसने अपने मजहब को नहीं कमाया तो उस आदमी का हाल ऐसा है कि उसके अंदर घिनान का पानी डालोगे तो वो नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। तुम्हें बेईमानी बहिश्त ना पावे वन अग्ने सुहागना थाए। बेईमानी जो है उसका भी बहिश्त नसीब नहीं होने वाला, और जब शादी होती है तो अग्नि के सामने पुराने जमाने हिंदुओं के टाइम के अंदर ये गिनान कथा गया, अग्नि के सामने जब तलक तुम्हारी शादी नहीं हुई तब तलक सुहाग नहीं है। मतलब यह है कि जमा खाने आए लेकिन हमारा दिल भाग रहा, मिट्टी का पुतला जमा खाने में आया, अब दुआ किसने पढ़ी? दुआ तो पढ़ी ही नहीं। शमस माँ बाप घूमते घूमते एक गांव में गए, जुमे का दिन था, सुबह के बाद जाके एक मस्जिद में उतारा किया, दोपहर को बांग हुई, अजान दी गई, मुल्ला आया, जमात इकट्ठी हुई, नमाज के लिए लोग खड़े हुए, पेशमस भी खड़े हो गए, अलहमद की सूरत पढ़ के जब भी पूरी हुई तो पेशमस कोने में जाके बैठ गए, बाकी सब लोगों ने नमाज पूरी की। जाहिल लोग थे और ऐसे ही लोग थे यानी कच्चे बर्तन। एक ने कहा, ओ फकीर तू कैसा मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ी? कहता, जितनी मुल्ला ने पढ़ाई, पेशमस बोले, जितनी मुल्ला ने पढ़ाई मैंने इतनी पढ़ी, मगर तू तो सूरतुल हम्द के पहली रकात पूरी भी नहीं की, तो मुल्ला को पूछो। मुल्ला को क्या पूछे, तू इधर बैठ गया। कहता, मुल्ला ने इतनी नमाज पढ़ाई, तो मुल्ला ने तो पूरी नमाज पढ़ाई। पीछे मुस्कान, नहीं तुम लोग पूछो मुल्ला को। मुल्ला अलहमद की सूरत के बाद घर चला गया, तो लोग एक दूसरे को कहने लगे, अरे पागल दीवाना हो गया, मुल्ला तो अभी तक यह बैठा, घर तो गया नहीं। तो मुल्ला भी आया, तो जब मुल्ला को कहा अपनी शमस ने कि तुम सूरज अलहमद पढ़ के तुम वापस चले गए, तो मैं बैठ गया। तो कहता, मैं तो इधर हूँ। अपने फिर मैं झूठ मत बोलो, तू घर नहीं गया? कहता, मैं तो इधर हूँ। फिर शमस ने फरमाया, तेरी भैंस ने बछड़ा दिया है, तू उसको बांधना भूल गया, नमाज के अंदर तेरा ख्याल आया आज दूध नहीं मिलेगा, बछड़ा खुला है सारा दूध पी जाएगा। पांव पे गिर गया, कहते सच बात है, सूरतुल हम्द के बाद मुल्ला का ख्याल वो बछड़े और भैंस में चला गया, तो पुतला तो यहाँ रहा, मुल्ला घर चला गया। हमारा हाल ऐसा ही होता है, हमारे भी भैंस हैं और बछड़े हैं, किसी का बैंक बैलेंस है तो किसी का कोई बिजनेस है, किसी का कुछ और है, बैठे हैं जमात खाने में, पुतला जमात खाने में, और हम घर घूमते हैं उर्द गिर्द जाते हैं। अब मुझे बताओ दीनदारो, आपने दुआ पढ़ी? आपके पुतले ने दुआ पढ़ी?
मुर्दे ने दुआ पढ़ी, मन तो भटकता रहा, मजहब का कर्नल कैसे खाओगे, बादाम ही फेंक दिया आपने हाथ से, तोड़ने की नौबत ही नहीं आई, बादाम चखने की बात तो बहुत दूर की है, बादाम फेंक दिया। तीन वक्त की दुआ जिसकी बराबर नहीं, उसको इबादत में सुबह की बैतुल ख्याल बंदगी में क्या मिलेगा। मजहब मोहब्बत की चीज है। मौलाना हजर इमाम, हर हजर इमाम हमको यही फरमान करता रहा, हर जमाने के इमाम ने हमको कहा, मेरे बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि अली नबी के गादी वारस के साथ प्यार करो। मोमिनो, अपने मजहब की किताबें पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के, जाहिर नबूवत के जो 23 बरस थे, जो आम दुनिया कहती है, उन 23 बरसों में भला नबी ने क्या सिखाया? मुसलमानों को पूछो तो कहेंगे हमको नमाज सिखाई, रोजे सिखाई। ये तो तुमको स्कूल में दाखिल करने के लिए फॉर्म भराया और फी ले ली, लेकिन सिखाया क्या मालूम? रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी में दो बातें बहुत ऊपर हैं। एक तो ये, अल्लाह की इबादत करो, और दूसरा अली से प्रेम करो, अली से मोहब्बत करो। मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं आपको इसके ऊपर खींच लूं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी दूसरी वाज जो एक वजह है, मैं आपको बताऊंगा कि नबी करीम का ये कहना क्या था, क्या मतलब था उसका, आपका दिल खुश हो जाएगा। ललितुल कद्र, वो रात है कि जिस रात के अंदर वजन किया गया, वैल्यू की गई, माप किया गया तुम्हारी इबादत को खुदा के नूर नाजिल होने के साथ, यानी हजरत इमाम की इमामत का ये जिक्र है। इस कद्र की रात में, इस कलयुग के अंदर हजरत इमाम जाहिर बैठा है और फरिश्ते यानी कुदरत की ताकतें, बख्शीशें और रहमतें बेहिसाब हैं। 2,24,00,000 इस्माइली दुनिया के अंदर हैं। इन 2,24,00,000 आदमियों के अंदर से आखिर 5-6 लाख ऐसे इस्माइली हैं जिनको हम जम्बूद्वीप के इस्माइली कहते हैं, जैसे कि हम, जिनको पीरों ने बोध दिया हिंदुस्तान के अंदर। वो लोग जो चाइना में, रशिया में, मिडल ईस्ट में, ईरान में, दूसरी जगहों के ऊपर हैं, हमारे ये बाकी के करोड़ों भाई हैं, उनके पास ये बख्शीशें नहीं जो हमारे पास हैं। क्यों? उनके पास सिर्फ एक बख्शीश है, चांद रात की मजलिस, एक ही मजलिस है उनके पास। चांद रात को इन तमाम इलाकों के इस्माइलियों में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जगह घूम के आया हूँ, चांद रात को न्याज निकालते हैं, शुक्रवार को न्याज निकलता है, लेकिन चांद रात को न्याज निकालते हैं, मजलिस बनाते हैं, ये एक ही बख्शीश है। नौवीं रात की मजलिस 5-5 साल की बख्शीश नहीं, लाइफ डेडिकेशन की बख्शीश नहीं, कुर्बानी मंडली, बैतुल ख्याल की मंडली, दूसरी मंडलियां कुछ नहीं, मुबारक मंडली नहीं कुछ। वो तमाम बख्शीशें जो हमारे पास है नहीं है। क्यों? हमारे ऊपर ये रहमतें क्यों? इसलिए दीनदार कि हम बीमार हैं, रूहानी हालत में कमजोर हैं, हमें एक्स्ट्रा विटामिन चाहिए। लूले लंगड़े बच्चे को माँ जिस तरह ज्यादा ध्यान रख के उसका पालन पोषण करती है, हम रूहानी हिसाब में लूले लंगड़े हैं, हमारे आमाल अच्छे नहीं, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं, हमारे विचार अच्छे नहीं। मेजोरिटी हमारे में इबादत वाले लोग हैं। हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कुछ न कुछ मोमन जरूर है, लेकिन मेजोरिटी हमारी इस्माइली हमारे ऊपर रहमतें कर करके, बख्शीशें दे दे के, किसी भी तरीके से हमारी रूह जिंदा रहे, हमारी रूह हेल्दी रहे, हमारा आत्मा जीवता रहे, इसके लिए हमको ये बख्शीशें मिलती रही, ये न्याज, ये घटपाट, ये छांटे, ये बख्शीशें, ये रहमतें, ये दुआसीस, ये तालीके। बरस में एक तालीका जाता है ईरान के अंदर या चाइना के इस्माइलियों के पास, बरस में एक तालीका जाता है,
और हमको कभी कभी एक अशवारिये में तीन तीन तालीके मिल जाते हैं। तो मोमिनो, कद्र का आज मैंने आपको मतलब समझाया और इसके साथ इस्माइली मजहब का ताल्लुक बताया। अब एक चीज है मोहब्बत, कि मजहब के अंदर अभी कर्नल क्या है और मोहब्बत क्या है, इंशाल्लाह मैं वो भी पूरा करूंगा। मौला आपको दो जहान में बरकतें दे, सुखी आबाद करे, ईमान की सलामतियां दे, दीन में दुनिया में चढ़ती करे, अपनी नूर की बख्शीश अता करे। मौला दसवन शुक्रीत में पूरा रखे, अपना फरमान बरदार मोमन बना ले, हर किस्म के गुनाह और बदियों से बचाता रहे, तमाम आफतें बलाएं मुसीबतें दफा करे, बीमारियां दफा करे, नाइतफाकियां दफा करे और बदियां बुराइयां दफा करे, हमारी कमजोरियां दूर करे। मौला दीन में दुनिया में हर कुतुब कबीले के अंदर अपनी रहमतें बरकतें नियामतें दौलतें बख्शिशें अता करे। मौला हाजर इमाम आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे। غافل تھا تاکو منیور کیا حاضر شاہ دکھلایا شاہ دیکھی جو دعوے پڑیا سو نسچے دوزخ ہے